यो पीपल, दिस इज आयुष्मान सोनी और अभी जैसे आई एम एट, सब आप ही लोग बोल लो भैया, मैं चुप हो जाता हूँ, चैनल भी चला लो मेरा। यो पीपल, दिस इज आयुष्मान सोनी फ्रॉम व्लॉगिफाई मी। सो पीपल, आई वाज सेइंग आई एम एट चौमुखनाथ जी राइट नाउ। ये ऐसा एक लौता मंदिर है जहाँ पे शिव जी के चार अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है, उसमें से एक उनका रुद्र रूप भी है जो उनका एंग्री फेस है, उसको मिला के तीन अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन वाला ये एक लौता 5th सेंचुरी का मंदिर है। लुक एट द ब्यूटी मैन। तो हम लोग सुबह चले थे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पेट्रोल भी डलवा लिया, 420 ही हुए, 420 का पेट्रोल था टोटल। हम लोग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे काका भी हैं, वो उधर फोन पे बात कर रहे हैं, पर इट्स ओके। एक्चुअली मैं और काका एक ही कॉलोनी शेयर करते हैं, तो मैं उनको छोटे से काका ही बोलते आ रहा हूँ अक्सर, भाई बंधु बनाने की मेरी है ही। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद भाई सबसे पहले मैंने देखा ट्राइबल पीपल डांसिंग। ओके, आई गॉट स्टन्ड मैन, बहुत सुंदर वो लोग एकदम बढ़िया मोर पंख लेकर के डांस कर रहे थे। थैंक यू। वो लोग अपने ही बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स कबीले वाले जो ट्राइबल पीपल के पास रहते हैं, लाइक ढोलक, मंजीरा, उनके कुछ कुछ ताशे, ये सारी चीजें वो लोग बजा रहे थे, दे वर डांसिंग। वो ये वाला मंदिर है, ये वाला जो मंदिर है वो सबसे पहला मंदिर था। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग पार्वती टेम्पल गए। ब्रीड्स वो देखो, अब तुम बताओ ये 6th सेंचुरी के लोग कितने वो थे, कितने एडवांस थे। ये देखो तुम, वो देखो कलिंजा फोर्ट का खुद ही ऐसा है, उसमें तो और बड़े से शिव जी भाई। शायद मूर्ति यहाँ पे ले जा चुके हैं कलकत्ता म्यूजियम आई गेस, या किसी और म्यूजियम में, क्योंकि यहाँ पे नहीं थी, बस त्रिशूल रखा हुआ था एज अ सिंबल कि हाँ यहीं पे थे। ब्यूटीफुल टू बी है, आप ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हो, आप ट्रेडिशन से जुड़ते हो, और यहाँ पे बहुत सुंदर एक वाइब आपको एक महसूस होगी, दैट सकारात्मक ऊर्जा। बताया था कि हमारे काका थोड़ा फोन पे बिजी थे, बट इट्स ओके, वो थोड़ा टाइम निकाल लिया हम गरीबों के लिए। तो प्रेजेंटिंग यू मिस्टर शिवम है काका। तो काका भी हमारे भाई बहुत सही ऐसा कंटेंट बनाते हैं, बट वो पोस्ट नहीं करते हैं, राइट। उनका केदारनाथ के भी बहुत सारे वीडियोस हैं। और काका आपको कुछ अपने से बोलना, इधर रहे कैमरा काका, सॉरी। बस ये हम लोग ने कल रात को ये प्लान बनाया कि अपना सतना है, सतना के आसपास में इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बट हम लोकल्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को बहुत जल्दी अवॉइड कर देते हैं। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, हिस्ट्री की बुक में पढ़ा हुआ था कि टेंपल आर्किटेक्चर है, टेंपल आर्किटेक्चर का जो इवोल्यूशन है वो हमारी सतना सिटी से स्टार्ट हुआ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज जो हम नागर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कि पहले एक बेस है, तो देखिएगा पार्वती टेम्पल है, तो इस पे केवल बेस है जी। और ऊपर का गुंबद नहीं बना हुआ जिसको हम शिखर कहते हैं। फिर अराउंड 5th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी में ऐसा चलता था आर्किटेक्चर कि केवल बेस बना देते थे। मतलब उस टाइम के लोगों का सोचो ना कि आप मंदिर बना रहे हो तो उसका डिजाइन कैसा होगा, इट्स अ सेंचुरी लॉन्ग प्रोसेस। हजारों सालों में जो अभी हम करंट फॉर्म देखते हैं वो एक इट्स बीन अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। पहले ऐसे मंदिर बना दिया, उसमें टॉप अभी देखोगे ये पार्वती जी का मंदिर है, इस पे अभी टॉप नहीं है, ये शिखर गायब है। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन जब हुआ तो शंकर जी का मंदिर, ये शंकर जी का जो चौमुख नाथ है, यहाँ पे शिव जी के 4 फेशियल एक्सप्रेशन है। एक एक जो शिवलिंग बना हुआ है उसमें आप फोटो में भी देखोगे, एक रुद्र अवतार है, एक उनका शांत अवतार है, ऐसे करके 4 फेशियल एक्सप्रेशन पे बनाया हुआ एक देखिए नगर शैली का मंदिर है। इस मंदिर पे भी हम देख रहे थे कि 7th सेंचुरी पे इन्हों का आइडिएशन, उनका थॉट प्रोसेस इतना एडवांस था कि इन्होंने इतने बढ़िया मंदिर बनाए। देखिए कैसे कैसे क्रिएचर्स हैं इस मंदिर पे भी, वो एक शेर जैसा क्रिएचर है
जिसपे जिसके सींग भी लगे हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा वो एक्चुअल में है क्या चीज, बट यही है इंटरेस्टिंग चीज कि जो हिस्ट्री पे इतने सालों से ऐसी दबी हुई थी, कहते हैं कि 1880 पे लॉर्ड कनिंगम ने ऐसे बहुत सारे मंदिरों को, भरोत स्तूप और सबको एक्सप्लोर करके इनको फाइंड आउट किया था, नहीं तो ये सौ हजारों सालों से 500 सालों से ऐसे मंदिर जंगलों में दबे हुए थे। सही तो देखो वो मंजीरा बजा रहा है। डिटेल्स है ना, डिटेल है कितना। कुंडल देखो, कान की इनकी वो देखो, इंस्ट्रूमेंट्स देखो, काफी डिटेल्ड है, नो डाउट्स। अच्छा यहाँ पे फेस बना हुआ है, अब चलते हैं शिव जी के मंदिर के अंदर। तुम बताओ टर्टल, टर्टल है बट ह्यूमन फेस है। इमेजिनेशन देखो या तो उस टाइम पे देखो था क्या वो। तो भगवान शिव कुछ दूर चले तो हमको एक और बढ़िया सी आकृति देखने को मिली जिनके सर नहीं है, बट इस साइड से देखो आप विष्णु के वराह अवतार हैं फ्रंट फेसिंग पे, जहाँ पे इंसान का शरीर और स्नाउथ जो है वो पिग का है। एक हाथ में हरी है, एक साइड में हरी। तो भाई यहाँ पे ये एक और मंदिर है, मतलब रूफटॉप। यहाँ पे काफी सही, आप यहाँ पे बढ़िया चिल मार के बैठ सकते हो थोड़ी देर। हर महादेव। बाल थोड़े अजीब हो गए हैं बट बड़ी सही जगह है यार ये। हर हर महादेव। ये अभी जो मैं भाला लेके घूमता हूँ ये आगे से अभी इसका टूट गया था, ये उसके लिए बता रहे थे जो ये लेयर्ड है। एलिवेटेड सरफेस है, इसको हम जगत कहते हैं। और इसपे जो मंदिर का दूसरा पार्ट होता है, एक होता है आपका मंडप जो एक सैंक्टम स्क्रोटम जिसको गर्भगृह कहते हैं, उसके पहले वाला पार्ट, फिर उसके बाद इसमें गर्भगृह। और इसमें देखिए इस मंदिर का जो टॉप है वो फ्लैट है, ऐसा कुछ शिखर नहीं बना हुआ है। तो इस प्रोसेस से इस मंदिर तक का एवोल्यूशन एक जगह पे अगर आप देख सकते हो तो वो ये जगह है चौमुखना। सही बात है काका। कितने सेंचुरीज का मतलब कितने सालों का डिफरेंस होगा इस वाले में और उस वाले में? ये एट द सेम टाइम डेवलप हुए मंदिर, तो ये दोनों साथ पे ही हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने का, हमारे आर्किटेक्चर इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने का सबसे बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि ये जो नागर शैली के सबसे शुरुआती मंदिरों में से 7th century में ही नागर शैली डेवलप हो रही थी अपने नॉर्थ इंडिया में। और फिर उसके बाद इसके जो और बेटर एग्जाम्पल्स है जो 9th century 10th century में वो डेवलप, खजुराहो में चंदेला डायनेस्टी द्वारा। सो आई सिंसियरली होप सो कि आपको ये सारे वीडियो कि आप लोगों को ये सारी नॉलेज काफी वैल्यूएबल, ऑब्वियसली नॉलेज इज ऑलवेज वैल्यूएबल राइट। मेरा इनपुट ये है नॉलेज इज नॉट एज वैल्यूएबल एज वी थिंक ऑफ इट, नॉलेज इज नथिंग
विजडम इज एवरीथिंग. यू कैन हैव टन ऑफ नॉलेज बट विजडम होना बहुत जरूरी है. उस नॉलेज को एक विजडम के जैसे आप लाइफ में कंपाइल फॉर्मेट में हमेशा yes. रहना चाहिए वो चीज. आप नॉलेज को अचार मत डालिए. यहाँ पे हमारा काका कंप्लीट हो रहा है तो इसके बाद हम जाएंगे घर और फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल. नेटफ्लिक्स एंड चिल. ब्रिटिशर्स भी बोलेंगे भाई तुम लोग छोड़ो, हम तुमको इसका फ्री का छोड़ो. वहां पे तुमको हजारों डॉलर का जब टिकट लगेगा ना तब यही देखने आओगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग आयुष्मान बाब बाय. होम स्वीट होम बी रीच्ड. नमस्ते करो भाई. खोलो मम्मा. तो हम दोनों बहुत छोटे से मैं इनके साथ में ही था. कई बार तो मैंने इनसे ट्यूशन भी पढ़े हैं. सो काफी बड़े काका मेरे से. अब मेरे को झेल रहे हैं फिर से. मैं बहुत बड़ा हूँ. 1857 की वॉर में मैंने पार्टिसिपेट किया. तो काका कहाँ कहाँ चोटें लगी थी उस टाइम? बस अब वो कुछ चोटें ऐसी जो दिखा नहीं सकता आपको.